से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मेरे दिल की पतंग कट गई कि डोर सांवरे के हाथ लग गई दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लूट ले गया कि मोहन प्यारा लूट ले गया दोनों हाथ उठा के कहिए मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लूट ले गया मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लूट ले गया आज हम सबको परम भागवत संतों का दर्शन उच्च कोटि के तपस्वी संतों का दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है ये हमारा सौभाग्य है। परम तपस्वी परम पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम हंस परिभाजकाचार्य पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। वेदांत केसरी परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य स्वामी सबदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे आचार्य जी मंदिर के पुजारी और सभी भक्तजन और हमारे गोविंद भागवत जी, आज हमारा बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिव्य सत्संग श्री राधा गोविंद जी के चरणों में इस मंदिर के प्रांगण में, ये हमारा परम सौभाग्य है कि इतने महान संत और इतने महात्मा हमारे इस मंदिर में आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। और इतना दिव्य स्थान ये राधा गोविंद जी का मंदिर ब्रज धाम में वृंदावन धाम में, जैसे कि हमें लगता है कि यहाँ पे साक्षात राधा गोविंद जी यहीं पे विराजमान हैं। ये कई संतों की है ही हैं बिल्कुल जी स्वामी जी, और स्वामी जी का तो खास प्यार है, उनके मित्र हैं कृष्ण जी, उनके मित्र हैं, उनके साथ में चाय और कॉफी पीते हैं बैठ के यहाँ पे। और ये सब ये सौभाग्य इस मंदिर का स्थापना ठाकुर जी की यहाँ पे प्रकटे होना, ये सब मैं श्रेय देता हूँ अपनी पूज्य माता श्री को, जिन्होंने मुझे पूज्य गुरु जी से मिलवाया। क्योंकि सबका सूत्रधार, मैं तो पहले गुरु जी को जानता नहीं था, उनको मिलवाने वाली मेरी माता श्री और उनका बहुत हम सभी हमारे परिवार के सदस्य, मेरे पिताजी मेरे भाई, हम सब पूजा पाठ तो बहुत करते थे, वृंदावन भी आते थे, पर मेरी माता श्री का खास लगाव था श्रीमद् भागवत जी में। तो उनके बहुत दिल की एक इच्छा थी कि मैं पूज्य गुरु जी से एक बार भागवत करवाएं। तो मेरे माता श्री ने एक बार हरिद्वार में
कहां पे मम्मी? हरिद्वार में, यानी सुना गुरी हरिद्वार में सुना आपको, जयराम आश्रम में, जयराम आश्रम में कथा हो रही थी बहुत समय पहले, तो मम्मी के हमारे माता श्री के मन में ये बैठ गया कि मुझे भी पूज्य गुरुजी से कथा करवानी है, पर ये पता नहीं था कि पूज्य गुरुदेव जी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे कहाँ स्थान है गुरुजी का। तो बहुत दिनों की जो अभिलाषा दिल में थी, और सच बात तो ये भी है कि उस समय हमारा समर्थ भी नहीं था कि हम भागवत कथा करवा सकें, तो मम्मी के मेरे माता श्री के जो मन में संकल्प उदय हुआ, उस संकल्प को भगवान कृष्ण भगवान राम ने पूरा करते हुए हमें, मम्मी ने ढूंढा किसी से तो मालूम पड़ा कि गुरुजी अपने वृंदावन में गुरुजी का स्थान है, तो माता श्री वहाँ आई मिलने के लिए गुरुजी से, प्रार्थना करने के लिए कि हमें भी दिल्ली में कथा करवानी है। तो गुरुजी ने बहुत संकोच करते हुए कहा कि आपका आप अकेली आई हैं और दो तीन माता श्री की सहेलियाँ थी जो हम कहते हैं कि हम सब मिलकर हम करवाएंगे कथा, तो गुरुजी ने बहुत संकोच किया, बोला ठीक है मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ और देखता हूँ स्थान कैसे है, कहाँ मंदिर में करवाएंगे। तो गुरुजी दिल्ली में हमारे घर पे आए, स्थान देखा, और गुरुजी ने संकोच करते हुए पहली बार गुरुजी ने बताया कि किसी सिर्फ जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही हैं और वो कथा करवा रही हैं, वो आयोजक हैं, और वो भी हम पंजाबी लोग, वैसे तो हम क्षत्रिय हैं पंजाबी नहीं है, पर लोग हमें पंजाबी कहते हैं, तो गुरुजी ने कथा करना स्वीकार किया। और मैं चांस की बात है कि उस समय दुबई में था, मैंने भी कहा माता श्री ने कहा कि एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं वृंदावन के और बहुत ही सुंदर कथा करते हैं, तो पुनीत तुम्हें वहाँ पहुँचना है वहाँ पे। तो मैंने माता की आज्ञा मानते हुए मैंने ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा, और गुरुजी हमारे घर पे शाम को आए, जिस दिन कथा थी उस दिन एक दिन पहले दोपहर को गुरुजी पहुँच गए, और मैं रात को 3 बजे मतलब कथा शुरू होने से कुछ घंटे पहले दुबई से मैं पहुंचा गुरुजी से मिलने के लिए। और जब हम सुबह मिला गुरुजी को, शोभा यात्रा हुई, कथा में जब मैं बैठे हम कथा की शुरुआत हुई, तो मुझे लगा कि इतनी अद्भुत कथा, और ये सच है कि जैसे ही गुरुजी ने पहला श्लोक शुरू किया कथा की, कथा का श्रोता कौन है, सही श्रोता कौन है, सही वक्ता कौन होना चाहिए, और कथा कहाँ और कैसे होनी चाहिए, जब गुरुजी ने हमें बताया, तो सच में मेरे दिल की जो है हमारे मेरे मन के रोम रोम की आंखें खुली, हमारी चेतना हुई कि ये क्या मुझसे गलती हो गई, इतने बड़े महात्मा इतने बड़े संत और मैंने कैसे लेट हो गया उनकी सेवा के लिए, और मेरी माता श्री अकेले ही उस काम में लगी हुई थी। फिर बात के जो उस दिन से सारा मैंने अपने हाथ में व्यवस्था ली, मेरे भाई भी और सब हम शामिल हुए, और बड़े धूमधाम से वो कथा हमने हमारा उसका पूरा आयोजन किया। उसके बाद में एक बात गुरुजी ने बोली थी कि कथा किसी पवित्र तीर्थस्थल पे होनी चाहिए, या किसी तीर्थस्थल में हो या गंगा के किनारे में हो। तो मैंने सोचा उसी दिन मैंने प्रण किया था कि अगली कथा मैं एक और करवाऊंगा, और वो भी गंगा के किनारे हरिद्वार में या ऋषिकेश में। फिर गुरुजी ने बोला कि ऋषिकेश में बहुत सुंदर आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, तो पुनीत वहां पर तुम कथा करवा सकते हो। तो वहां मैं गया, वहां देखा बड़ा सुंदर स्थान था, और गंगा के घाट पे ही हमने पहली बार वहाँ पे पंडाल लगवा के बड़ी सुंदर कथा वहाँ पे हुई, और उसके बाद हमारी 3 कथा कुल वहाँ पे हमें आयोजन किया। हमने ऋषि के पास में आया, पूरा मैंने बताया जो वहाँ पे हुआ, पूज्य गुरुदेव की ऐसा मेरे साथ में घटना घटी है और ये मेरे को ठाकुर जी का हुक्म हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं? गुरुदेव ने बोला पुनीत देख लो, ठाकुर जी ने बोला तो ठीक है अगर तुम कर सकते हो तो बिल्कुल करो, पर देख लेना तुम विदेश में रहते हो, बड़ा मुश्किल है मंदिर को संभालना, ठाकुर जी की पूजा अर्चना सुबह शाम की 5 समय की पूजा करनी, उनका ध्यान रखना, मंदिर को चलाना, तुम क्या कर लोगे? मैंने बोला गुरुजी जिस ठाकुर ने मुझे ये प्रेरणा दी है मंदिर भी वही चलाएगा, सब काम भी वही करेगा, मैं तो क्या करने वाला हूँ। तो गुरुजी की आशीर्वाद से, गुरुजी की प्रेरणा से ये सब मंदिर का निर्माण हुआ। हर समय गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, एक जगह पे हर जगह पे हर समय जब भी मैंने गुरुजी से पूछा कि कैसे किया जाए, तो ये सारा ही मंदिर और ये आश्रम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उन्हीं की देन है, तो उनके लिए मैं पूज्य गुरुदेव को चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव कि आपकी कृपा से ये हमें ठाकुर के दर्शन, ठाकुर का ये आनंद हमें मिलता है। और ये आज का दिन बहुत सुंदर
सभी इतने बड़े महात्मा तपस्वी महात्मा जी दूर दूर से आए हुए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, ठाकुर के दर्शन करने के लिए, ये तो बहुत ही परम सौभाग्य है। तो आज हम सब, अब मेरी ये प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से कि आज इस कार्यक्रम को और सब संतों महात्माओं को हमें आशीर्वचन मिले, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव बोल। राधा गोविंद भगवान की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बहुत ही सुंदर आज का ये ब्रज चौरासी कोस यात्रा का शुभारंभ जो कल होने वाला है, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे ठाकुर श्री राधा गोविंद जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनकी शरण में, और परम पूज्य परम तपस्वी पूज्य बाबा जी महाराज, परम श्रद्धेय परमहंस पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय वेदांत के श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी संविदानंद जी महाराज, इनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और मैंने देखा है जो कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ होता है वो हमेशा सफलता की ओर जाता है। कार्यक्रम हम लोग कुछ उद्बोधन के पूर्व हमारे ब्रज के ठाकुर के परम भक्त और परम रसिक भजन सम्राट हमारे श्री गोविंद जी भार्गव यहाँ अपनी सेवा देने के लिए आए हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक भजन संतों की सेवा में वो सुनावें और उसके बाद संतों के आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। श्री गोविंद जी भार्गव। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे हरिर्नाम केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन प्यारी श्यामा प्यारो प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री
श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन राम प्यारो श्री वृंदावन राम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन राम व्यास स्वामिनी की छवि निरखत तोरे विमल विमल जसदा किशोरी तोरे विमल विमल जसदा अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण
करते कृपा निधि पतितों को करते कृपा निधि किए पाप मैंने भी सुयश के सहारे अगर नाथ देखो अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ दे माना दाम अपावन कुटिल माना मन कुटिल माना दाम अपावन कुटिल सब कुछ हूँ मैं फिर भी हूँ मैं तुम्हारा अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ दे और भैया ठाकुर जी सब कुछ क्षमा कर देते हैं पर संतों का अपराध संत ही क्षमा करते हैं मुझ अधम से भी ऐसा अपराध हुआ न जाने कैसे वो उसका प्रायश्चित होगा पर संत भी दयालु होते हैं मेरा तो मानना है जैसे छोटा बालक कोई अपराध कर दे और मां के चरणों में पड़ जाए कि मां अब नहीं करूंगा तो मां उसको गोद से उठा के सीने से लगा लेती है तो मुझसे भी कुछ ऐसे अपराध बने हैं लेकिन मैं यही आशा करता हूं कि मेरे अपराध क्षमा होंगे तभी ठाकुर जिस दिन से कोई मेरे से ऐसा अपराध हुआ मैं अनभिज्ञ था फिर भी उस दिन से आज तक मेरे को चैन नहीं है और मैं ठाकुर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो संत भी हमको क्षमा करें और वो अपना श्री राधे श्री राधे श्री राधे बहुत ही सुंदर श्री किशोरी जी की महिमा का भजन हमारे प्रिय गोविंद जी भार्गव से हम लोग श्रवण कर रहे थे जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई भक्त का अपराध भक्त ही माफ करते हैं भगवान माफ नहीं करते हैं वो थोड़ा कुछ यद किंचित हो गया था संतों के मन में रहता ही नहीं है मैंने उनसे कहा था स्वामी जी को तो याद भी नहीं होगा और स्वामी जी को सही में याद नहीं था आज उसका निराकरण हो गया और बिंदु जी ने एक पंक्ति लिखी है कि उनके आँखों से जो अश्रुपात होते थे ठाकुर और संतों के सामने पड़े थे पापों के दिल में छाले जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं वो फूट गया निकल गया काम पूरा हो गया आप निश्चिंत रहिए और बहुत सुंदर पद आपने गान किया ये वृंदावन धाम ये धाम की यही महिमा है इस वृंदावन में पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में आजीवन रहे जिनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ परिक्रमा करते करते पूज्य उड़िया बाबा जी के आदेश से
उनसे हम लोगों ने एक बार पूछा था कि धाम में निवास करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भजन थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन किसी की निंदा स्तुति मत करना, किसी राजनीति में मत पड़ना, संतों का साथ करना, बहुत ज़्यादा संग्रह परिग्रह नहीं करना, ठाकुर का भजन करना, खाने की व्यवस्था ना भी हो तो ब्रजवासियों से मांग के खा लेना, लेकिन निंदा स्तुति में नहीं पड़ना। वैसे अगर कोई रहे इस ब्रज में, आज भी ब्रज भूमि की वो महिमा है कि यहाँ अगर कोई निवास करे इन सावधानियों को रख करके, तो उसके जीवन में भक्ति प्रकट हो जाती है। और ऐसा एक जगह नहीं, अनेक जगह देखा गया है। मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं वृंदावन आया था 1983 में, उस समय मैं भक्ति की बात ही नहीं करता था, भक्तों से मेरे को चिढ़ होती थी। मैं केवल शंकर वेदांत की चर्चा करता था, लेकिन यहाँ रहते रहते ब्रज में खाली रहने से एक बात मैं कह सकता हूँ कि ईमानदारी से मैं यहाँ रहा हूँ। भजन उतना नहीं किया, लेकिन मैंने जानबूझ करके कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, जानबूझ करके कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं लिया। अपने पास से किसी को अगर दे दिया तो दे दिया, इतना किया है। भजन बहुत नहीं किया है, साधना बहुत नहीं किया है, लेकिन हृदय में ठाकुर की कृपा से भक्ति का प्रवेश कब हो गया वो मेरे को भी पता नहीं लगा। ये ब्रजभूमि की महिमा है। और मैंने स्वामी मुक्तानंद जी को देखा, लेकिन इनके जीवन में भी यहाँ आते आते इनके जीवन में भक्ति का संचार हो गया। ये कृष्ण भगवान को अपने सखा के रूप में अनुभव करते हैं। और पिछली जो भागवत हुई थी वो घटना शायद महाराज जी हमारे गुरुतुल्य बैठे हैं तो बता ही देता हूँ। भागवत के बाद जिस दिन अगले दिन जाना था, स्वामी मुक्तानंद जी ने बताया कि 2:30 बजे एक 4-5 वर्ष के बालक उनके कमरे में आए और बोले, जा रहे हो? बोले, हाँ कल जाएंगे। बोले, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठाकुर जी आए हाँ यहीं पे, इसी जगह पे, इनके कमरे में। तो ये जो हमारे विग्रह बैठे हैं, ठाकुर श्री राधा गोविंद जी महाराज, ये खाली विग्रह नहीं है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ सबको यही कहता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, ये साक्षात जागृत विग्रह है। ये ठाकुर जी और किशोरी जी अनेक लोगों को, अभी लगभग 4 वर्ष हुए होंगे या होने वाले होंगे प्रतिष्ठा के, इतने दिनों में अनेक लोगों को अनुभव दे चुके, दे रहे हैं। और अभी सत्संग के बाद मैं स्वामी जी को वो चित्र दिखाऊंगा ठाकुर जी के, प्रथम वर्ष उनकी मुखाकृति और चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष की मुखाकृति। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, अगर दोनों चित्र दिखावें तो अगर वो पहचान जाए कि वही ठाकुर थे, इतना परिवर्तन हुआ है प्रतिष्ठा के बाद। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जहाँ सेवा ठीक होती, आज भी ठाकुर यहाँ जागृत दिखाई देते हैं। इनकी धर्म पत्नी स्वयं श्रृंगार करती हैं मुख्य उत्सव में, और वो बताती हैं, पोशाक बदाने वाले बताते हैं, और चित्र से आपको पता लगेगा इनके वस्त्र छोटे पड़ने लग गए, श्री विग्रह इनका बढ़ गया है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कहते हैं कलयुग में सब कहाँ होता है, यहाँ तो हो रहा है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है। और स्वामी मुक्तानंद जी को तो पिछले बार ही अनुभव हुआ, और स्वामी मुक्तानंद जी जैसे महात्मा वो भाव में जल्दी नहीं आते हैं, भाव में पड़ते ही नहीं, लेकिन जब वो ठाकुर के विषय में जब इनके चर्चा करते हैं तो वो भी कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो ये जो ब्रज धाम है, मैं ब्रज की महिमा कह रहा था, वृंदावन की महिमा, जिसकी हम लोग 84 कोस यात्रा करने जा रहे हैं, ये ब्रज भूमि में महाराज मधुसूदन सरस्वती जैसे वेदांती, जो उस समय के सबसे बड़े वेदांत निष्ठ महापुरुष, जिन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं आज बड़े बड़े विद्वान उनको पढ़ नहीं पाते, वो जब वृंदावन में आए इस ब्रज में, और यहाँ के ठाकुर का चमत्कार, यहाँ के ठाकुर का प्रेम, यहाँ के ठाकुर के पकड़, कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षण,
कर्षति आकर्षति आकर्षण जिसमें वंशी विभूषित करा नव निरदाभात। हाँ, ये श्लोक उन्हीं की रचना है, मधुसूदन सरस्वती की, सौंदर्य का वर्णन। ये तो उनके सौंदर्य का वर्णन था, स्तुति थी, लेकिन बाद में जो हुआ उनके साथ, मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत वीथि पथक रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि भयम हठेन दासी कृता गोप बधु बेटेन। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, अरे भाई, मैं तो अद्वैत की वीथियों में चलने वाला पथिक, ब्रह्मानंद के आनंद में आनंदित रहने वाला महात्मा, लेकिन जब ब्रज में आया तो यहाँ एक चोर रहता है, चोर ब्रज में एक चोर रहता है। ये मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, बाबा जी को मालूम होगा, महाराज जी को मालूम है, मधुसूदन सरस्वती का श्लोक है, शठेन केनापि भयम हठेन दासी कृता। बोले यहाँ एक चोर रहता है, उसने मेरी भी चोरी कर ली, और आप जितने बैठे हो अगर सावधान नहीं रहोगे तो तुम्हारी भी होने वाली है। इसकी तो हो ही गई है, पुनीत की, दुबई से भागा भागा यहाँ आता है। एक इधर राजू बैठा है, पुनीत बैठा है, यहाँ जितने बैठे ब्रज यात्रा में आए हैं इस ठंडी में, घर परिवार छोड़ के, व्यापार छोड़ के, इनके सबके मन को ठाकुर ने पकड़ा हुआ है, तभी आए हुए। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, मैंने दिया नहीं उनको अपना मन, मेरा मन जबरदस्ती ले लिया और अपना सेवक बना करके छोड़ दिया। हाँ, ये ऐसा यहाँ का ठाकुर है, अपना सेवक बना दिया। मधुसूदन सरस्वती कहते, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कभी कभी कहते थे, यहाँ के ठाकुर को और ठाकुर की कथा को गाली देने का मन होता है। बोले क्यों? बोले कितने डॉक्टरों की डॉक्टरी छुड़वा दिया, कितने व्यापारियों का व्यापार छुड़ा दिया, कितने लोगों के एजुकेशन छुड़ा दी। हाँ, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कितने हाई एजुकेटेड महापुरुष, हमारे पूज्य गुरुदेव तुल्य पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी महाराज 10 भाषाओं के जानकार, एरोप्लेन जलाना जिनको आता है, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार उनके आश्रम में जाके दिया गया, भारतवर्ष का पहला रिकॉर्ड, इनको महाराज बाबा बना दिया। किसने बनाया? ये ठाकुर ने। ये ठाकुर का तो गुरु जी कभी कभी व्यंग में बोलते थे, ठाकुर और ठाकुर की कथा को कभी कभी गाली देने का मन होता, कितने लोगों का घर बिगाड़ दिया। तो ये जो ब्रज है, ये आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि ब्रज की यात्रा के पूर्व संध्या है और ये सब बातें जानना आवश्यक है। ब्रज में एक ही ध्यान रखना है, जो पूज्य पंडित गया प्रसाद जी कहते थे, कोई राजनीति मत करना, किसी की निंदा स्तुति मत करना। हाँ, भजन कम हो तो चलेगा, लेकिन इसमें मत पड़ना। यहाँ रहते रहते भजन नहीं भी करोगे तो ब्रजभूमि के प्रभाव से तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाएगी और तुमको ठाकुर की अनुभूति होगी। ये ब्रजभूमि का आज भी प्रभाव है। आज हम लोग बाबा जी के साथ बैठे थे, बाबा जी ने कहा, बोले स्वामी जी यहाँ की भूमि में आकर्षण तो है। बाबा जी ने कहा, इतने महान तपस्वी महापुरुष, बाबा जी के साथ के एक महात्मा हमको मिले थे, गौतम मुनि जी, जब बाबा जी के डोल में भागवत हुई थी, भागवत मैंने क्या था, उस भागवत में आए थे, उन्होंने बाबा जी के विषय में बताया। बोले बाबा जी ठंडियों में बैठे रहते थे उत्तराखंड में, एक एक इंच बर्फ बाबा जी के शरीर पर जम जाती थी और बाबा जी बैठे रहते थे। बोले बर्फ हम लोग हटाते थे। ऐसे महापुरुष, ये इस स्थान का सौभाग्य है या ठाकुर की चमत्कार है? पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, बड़े बड़े मिनिस्टर, गवर्नर इनसे अनुमति लेते हैं आश्रम में आने के लिए। इनकी अनुमति होती है तो एंट्री मिलती है, नहीं तो आश्रम में एंट्री नहीं मिलती है। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने अनुमति मांगी, स्वामी जी ने कहा कि आप आइए, आपका एक सेवा कावे तो आश्रम में आप आ सकते हैं, आपका जितना ये प्रोटोकॉल का ताम झाम है इसके साथ आश्रम में नहीं होगा, नहीं आ सके। ऐसे महापुरुष, और स्वाभाविक मैं और स्वामी मुक्तानंद जी ने बताया कि ऐसे हम लोग ब्रज यात्रा कर रहे हैं पूज्य बाबा जी के संरक्षण में, तो स्वाभाविक ही बोले कब कर रहे हैं, अब हम लोग की हिम्मत तो नहीं थी कि आप चलिए, स्वाभाविक ही पूछे कब कर रहे हैं, तो हमने बताया डेट है 15 से 21। बोले एक दिन आगे बढ़ा सकते हो महाराज, आप आओ तो एक दिन क्या, हम 4 दिन बढ़ा देंगे।
बोले एक दिन आगे बढ़ा दो तो हम भी आएंगे, अपने से स्वीकृति मिल गई। हाँ, महाराज जी का ऐसी कृपा हुई, तो इसीलिए 14 की जगह फिर वो 15 को सब लोग आए, 16 से यात्रा शुरू होगी, पहले 15 से होनी थी। तो ये ब्रजभूमि, तो ब्रजभूमि में जितने लोग आते जाते हैं, आजकल क्या हो गया है, श्रद्धा से भी आते हैं, एक पिकनिक टाइप भी हो गया है। आप ब्रज में आओ तो थोड़ा रहो, यहाँ थोड़ा सत्संग करो, साधना करो। ये जो स्थान है ना ब्रज के, अब इधर वृंदावन है, इधर चौमुहा है जहाँ ब्रह्मा जी के ग्वाल बालों की लीला हुई थी, बीच में स्थान है, ठाकुर जी यहीं तो गाय चराते थे, यहीं तो बछड़े चराते थे, यहीं कोई ना कोई लीला की होगी, तभी तो वहाँ वाइब्रेशन है, तभी तो अनुभूतियाँ होती हैं जो यहाँ रहते हैं। तो ब्रज में जब भी आओ थोड़ा रहो, हाँ, थोड़ा संतों का साथ करो, थोड़ा एकांत में बैठ करके जप करो, ध्यान करो, व्यवस्था सब हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, एक तो गाली गलौज राजनीति मत करो, और एक थोड़ा खाना पीना हल्का रखो। हाँ, हमारे जो आयोजक हैं मैं उनसे कहूँगा कि बहुत हैवी भोजन की व्यवस्था नहीं करें। खाने पीने के लिए आपके घर बहुत पड़े हुए, आपके घरों में बहुत खाते हैं आप लोग, ये चाट पकौड़ी जो खाने की चीज़ें हैं ना, वो यहाँ नहीं। यहाँ सादा भोजन और भजन, सात्विक भोजन, उसका जब आप आयोजन करेंगे देखेंगे यहाँ का रस। और ये विलक्षण, मैं तो समझता हूँ शायद ऐसी ब्रज यात्रा कभी हुई होगी कि नहीं हुई होगी, ठीक है, हमारी नॉलेज में तो नहीं हुई, जरूर हुई होगी, बड़े बड़े संत यहाँ हुए, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में सब मिला करके 11 महापुरुष हैं, 11 सन्यासी इस यात्रा में सब मिला के, हाँ पूरे 5 तो तुम्हारे सामने बैठे, हाँ, और ऐसे ऐसे लोग, हाँ, जो कभी यात्रा किए नहीं, संयोग की बात है हम लोग भी नहीं किए, मैं तो 25 साल वृंदावन में रहा, यहीं पढ़ाई किया लेकिन पूरी यात्रा नहीं किया, हाँ, अलग अलग गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, गोकुल गए, रमण रेती गए, लेकिन जो छोटी छोटी जगह यहाँ पर, जब ठाकुर जी अपने नंद बाबा यशोदा मैया को यहीं रहते थे, लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, नंद बाबा ने यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, लाला हमको भी तीर्थ यात्रा करने का मन है, वृद्धावस्था थी। कन्हैया ने कहा, लाला बाबा ये वृंदावन ब्रज सबसे बड़ा तीर्थ है। बोले नहीं लाला, हमको भी यात्रा करनी, जानते हो क्या हुआ? कन्हैया ने कहा, तो अच्छा बाबा मैं सारे देश के तीर्थों को ब्रज में बुला लेता हूँ, वो आपको यहाँ दर्शन देने आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए इस यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब आएगा, मानसरोवर सभी हैं इस यात्रा में, सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए, हाँ, ठाकुर की लीला से, भगवान कृष्ण की लीला से। तो वो ब्रज यात्रा, और वो इन संतों के सानिध्य में रोज हम लोग लगभग 9 बजे निकलेंगे, लगभग 6 बजे लौट के आएंगे, और जितने यात्री प्रायः सब बैठे हैं, 2-4-6 अगर नहीं होंगे, सबसे यही कहना है, एक तो किसी की 7 दिन तक निंदा स्तुति मत करना, किसी की निंदा स्तुति मत करना। पूज पंडित गया प्रसाद जी से पूछा हम लोगों ने कि अगर कोई गलत व्यक्ति दिखाई देता तो क्या करे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, महापुरुषों का अनुभव होता है। उन्होंने कहा, जब श्री कृष्ण थे तब यहाँ कंस था कि नहीं था? बोले था। बोले जब श्री कृष्ण थे तो अघासुर बकासुर थे कि नहीं थे? थे। पूतना थी कि नहीं थी? इसी ब्रज में थे। हाँ राजू, सुबह तुम उसको डांट रहा था ना, ये सब अघासुर बकासुर बचे गए, क्या करोगे? तो उस समय भी यहाँ दुष्ट थे, तो समझ लो अगर इस समय संत हैं तो वो भी हैं, उनको उस दृष्टि से देखो, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण लीला नहीं होती, अगर पूतना नहीं होती तो कृष्ण लीला नहीं होती, ये उसी के लिए है, ये रहेंगे, इन्हीं के बीच में रह करके हमको ठाकुर का भजन करना है, ठाकुर का चिंतन करना है, ये रहेंगे, ये कोई इनको मिटा नहीं सकता है। हाँ, सुबह हमारे कह रहे थे, बोले यहाँ के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। अरे तुम उनको क्यों दोष देते हो, इनके आने के पहले कोई झूठ नहीं बोलता था यार, जब यही झूठ बोलने लग गए तो बाकी लोग क्या करेंगे। हाँ, भागवत में पहला श्री भगवान वाच है। हाँ स्वामी जी स्वामी जी भागवत जानते हैं, महाराज जी जानते हैं, दशम स्कंध में पहला भगवान वाच जहाँ आया है, श्री कृष्ण ने पहली बार जहाँ बोले हैं, नाहम भक्षितवान अम्ब, मिट्टी खाली, मैया ने छड़ी से धमकाया, मिट्टी खाई ना, मैंने नहीं खाई। अरे बोले सारे ग्वाल बाल बोल रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसना, ये सब झूठ बोलते, इतना क्रांतिकारी झूठ, सारे सच बोल रहे थे, बोले सब झूठ बोल रहे हैं। तो महाराज जी कहते थे, महाराज जी के गुरु जी उड़िया बाबा जी कहते थे, बोले ब्रज में आने के बाद अगर चोरी हो जाए
तो सोच लेना ब्रज यात्रा सफल हो गई तुम्हारी। हाँ, चोरी ना हुए तो सफल नहीं है। हाँ, भले जूता ही चला जाए, चप्पल चला जाए, साल चला जाए, हाँ, ठाकुर चुराता है, हाँ, किसी का मन चुराता है, किसी का सामान चुराता है, ऐसा क्यों मानते हो चोरी हो गई? इतनी तुम्हारी उतनी माया छुड़ा दिया उसने, तुम्हारी उतनी ममता छुड़ा दिया। तो ब्रज यात्रा में रहते हुए निंदा स्तुति मत करना, किसी पर गुस्सा मत करना, खाना पीना हल्का रखना, खाली समय में भजन करना, राधे कृष्ण का जप करना या अपने गुरु मंत्र का जप करना। 7 दिन में तुमको लगेगा कि वास्तव में ब्रज आज भी ब्रज है। दुनिया कितनी भी बदल गई हो, यहाँ आज भी भूमि में प्रेम के परमाणु विद्यमान हैं, कृष्ण प्रेम के, राधा प्रेम के, जो तुम्हारे जीवन को धन्य कर देंगे। और ये भी एक संयोग है, मैं 25 साल वृंदावन रहा, ब्रज यात्रा मैंने क्यों नहीं की? लोगों के मन में आया, मैं था अशोक टिकरीवाल, राजू चौधरी और दीवान जी और स्वामी मुक्तानंद जी, हमने कहा ब्रज यात्रा नहीं हुई अपनी, ये कथाएँ तो व्यस्तता रहता ही है, एक बार अपने ब्रज यात्रा करते। 4-5 लोगों ने प्लान बनाया। राजू ने कहा जो करना हो हम करेंगे, अशोक बोला सारा खर्चा मैं करूँगा, ये बोले तो आप अकेले नहीं करोगे हम भी करेंगे, हाँ यहाँ तो लोग मांगते हैं हमको रोकना पड़ता है, ऐसे ऐसे भक्त हैं ये लोग। दीवान जी बोले नहीं हम करेंगे सब लोग। फिर दीवान जी ने बाबा जी से पिछली शिवरात्रि में कहा बाबा जी हम लोग ऐसे ब्रज यात्रा कर रहे हैं आपकी इच्छा हो, बाबा जी बोले हम भी तो नहीं किया अभी तक। बाबा जी बोले हम भी करेंगे। फिर हम लोग मुंगेर गए थे प्रवचन में, तो महाराज जी को बताया ऐसे हम लोग ब्रज यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने तारीख पूछा, महाराज जी कार्यक्रम व्यस्त थे, तो महाराज जी ने अपनी डेट देखी, बोले एक दिन आगे बढ़ा सकते हो? हमने कहा बिल्कुल बढ़ा दें अगर आप आवें, आपका आना कहाँ होता है। महाराज जी ऐसे कृपा किए तैयारी के साथ। स्वामी संविदानंद जी महाराज ये अभी अभी पंचाग्नि करके आए, 1 महीने के पंचाग्नि करके कल ही पूरा हुआ है, आ जाए हैं। तो ऐसे ऐसे 5 महात्मा तो आपके सामने बैठे, बाकी 5-6 महात्मा और हैं, 11 महात्मा, और मैं सब तो 70-80 भक्त होंगे, मैंने तो अभी काउंट नहीं किया, काउंट इन लोगों के पास होगा, 80 के आसपास भक्त हैं, मतलब लगभग 100 लोग रहेंगे अगर इन सबको मिला लें, अपने वीडियोग्राफर है, माइक वाले हैं, सिक्योरिटी है, सब मिला के 100 लोग। हाँ, ये ब्रज यात्रा होगी हम लोगों की कल से, तो आप लोग नियम ले लें, एक तो कभी किसी का कुछ स्वीकार मत करना, 7 दिन किसी का कुछ लेना मत। हाँ, आप तो खैर वैसे भी नहीं लेते, देते ही हैं, दान दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, किसी का खाना नहीं चाहिए, जितना हो सके सेवा कम से कम लो दूसरों की, अपना काम अपने से करो, और खाली समय में अपने गुरु मंत्र का जप करो या राधे कृष्ण का जप करो। ये आप नियम लेके करोगे ना, आप देखेंगे 7 दिन में आपके जीवन में अनुभूतियाँ होंगी, अनुभव होंगे। ये ब्रजभूमि है, मैं फिर कहता हूँ, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, संतों की वाणी से कह सकता हूँ, यहाँ ईमानदार होकर के केवल रह जाओ, तुम्हारे जीवन में श्री राधा कृष्ण का प्रेम अपने आप प्रकट होने लग जाएगा, ये वो ब्रजभूमि है। तो हम लोग कल से उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, आज उसकी पूर्व संध्या है, थोड़ा थोड़ा हम चाहेंगे सभी संत सब हम लोगों को आशीर्वाद दें ब्रज यात्रा के लिए, और यहाँ के ठाकुर के लिए, हमारे आयोजक जो पुनीत भाटिया हैं, जिनका बहुत प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, कई बार ये छोड़ छोड़ के भाग गए, कहाँ दुबई की व्यवस्था, कहाँ यहाँ की व्यवस्था, आज हमारे सुबह राजू ही परेशान थे, वैसे ही स्थिति इनकी थी, कई बार छोड़ के भाग गए, नहीं बनाना मेरे को वृंदावन, नहीं रहना, कहाँ ठाकुर मेरे को फंसा दिया, फिर ठाकुर इनको पकड़ के ले आते थे, ये भाग जाते थे फिर पकड़ के ले आते थे, ये जो जमीन लिया है इसको सेल करने के लिए छोड़ दिया था, नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ के लोग ना करते नहीं और काम करते नहीं, यहाँ का सूत्र है, आओ अब हाल आयो, अब हाल आयो, अब हाल उनका कभी आते नहीं। तो जो समस्या होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ठाकुर जानता है, ठाकुर पकड़ के ले आया, और ठाकुर यहाँ स्वयं विराजमान है। मैं फिर कहूँगा यहाँ जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं ये खाली विग्रह नहीं, ये साक्षात विग्रह हैं, आप लोग उनका दर्शन करेंगे, कुछ समय आएंगे बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा। इतना ही कह करके मैं अब चाहूँगा हमारे स्वामी संविदानंद जी महाराज हम सबको आशीर्वाद दें ब्रज यात्रा के लिए। विभ्रदवास कनक कपीसं वैजयन्तीं च माला
परम श्रद्धे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान तपस्वी या यूं कह सकते हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की भूमिका में हमारे बाबा कल्याणदास जी महाराज। मैं वशिष्ठ क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ चार भ्राता बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो एक तो गुरुजी होते ही हैं, तुम्हारे चारों के ये पालनकर्ता भी हैं, रक्षक भी हैं, इसलिए स्वामी कल्याणदास जी महाराज। परम श्रद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी अभी मधुरवाणी से हम सभी लाभान्वित हो रहे थे, जिनके अमृत वर्षा से हम सभी इस रस में एक सुंदर अनुभव कर रहे थे, ऐसे भागवत स्वरूप सुखदेव स्वरूप परम श्रद्धेय स्वामी गिरीशानंद जी महाराज और मुक्त कंठ से हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सबको आनंद देते रहते हैं ऐसे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज। नारायण बेन के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, स्वामी जी ने कहा है कि उनको कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ गया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब पिछली बार जब बांके बिहारी मंदिर गए थे तो वहाँ पुजारी जी ने इनको बांसुरी पकड़ा दी थी और किसी को बांसुरी नहीं दिया, केवल उन्हीं को बांसुरी दिया, और उस बांसुरी को जैसे छोटे बच्चे जो है ना किसी को चीज़ कोई मिल जाती है तो जल्दी छोड़ते नहीं है, वैसे उन्होंने अपनी जेब में डाल के रखा, दिन भर किसी को दिया नहीं, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया उसको, और बजाते रहे एकदम वही मुद्रा के अंदर। फोटो भी है बाहर जो वृक्ष वगैरह पेड़ वगैरह है वहाँ खड़े होकर के स्वामी जी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आपके जीवन का एक अद्भुत और अमृतमय आपके लिए क्षण होगा कि आप 84 कोस की परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। नारायण संसार की परिक्रमा तो बहुत किया आप लोगों ने, पर भगवान की परिक्रमा का सौभाग्य अगर मिलता है तो इससे बड़ा जीवन में दूसरा सुख हो ही नहीं सकता है, और वो भी वृंदावन, जिसके बारे में कहा जाता है वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब परिक्रमा करें तो कुछ चोरी हो जाए तो ये मानना चाहिए कि आपके ऊपर कृपा हो रही है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि स्वामी जी ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है तो कहीं न कहीं उसकी झलक जरूर दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी, और फिर आपको कहना पड़ेगा ये दिखला के झलक वो छुप ही गए, दिखला के झलक वो छुप ही गए, जी भर के नजारा हो न सका, एक बार हुआ दीदार हमें, दीदार दोबारा हो न सका।
दिखला के झलक। नारायण, जब भक्त और भगवान की जब लड़ाई हो जाती है और भगवान जब बोलते नहीं है, तो भक्त कहता है आप मत बोलिए हमसे, हमें कोई इस बात का दुख नहीं है, पर तू बोल या न बोल तेरे बोलने का गम नहीं, एक तेरा दीदार तेरे बोलने से कम नहीं। एक बार दर्शन हो जाए, और होता क्या नारायण, झलक दिखाने के बाद में जितने वो हमसे छुपते गए उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई, जितने ही वो हमसे छुपते गए उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई, तुमने तो किनारा कर ही लिया, तुमने तो किनारा कर ही लिया, पर हमसे किनारा हो न सका, दिखला के झलक। तो नारायण, कहीं उसकी झलक मिल जाए तो निश्चित रूप से कल्याण ही कल्याण, और निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि हमारी साथ में बाबा कल्याण दास जी हैं, इसलिए कल्याण ही कल्याण होने वाला है निश्चित रूप से। और स्वामी जी ने एक बात बताई अभी कि 15 तारीख को ये यात्रा शुरू होने वाली थी, स्वामी जी ने कहा कि नहीं 16 से शुरू करेंगे। तो जानते हैं क्यों 16 से शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण षोडश कला पूर्ण संपूर्ण है, 16 कलाओं से संपूर्ण भगवान कृष्ण, इसलिए 16 तारीख स्वामी जी निर्धारित हुई है। ये भगवान की योजना है, आपके द्वारा वो कही गई है। तो ये परम सौभाग्य है आप सभी का, हम सबका, कि इस यात्रा में जैसे स्वामी जी ने नियम बतलाए हैं, नारायण उन नियमों का पालन करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप 7 दिन के बाद जब यहाँ से जाएंगे ना, तो पप्पू चौधरी जी बन करके नहीं जाएंगे, पुनीत बन के नहीं जाएगा, कोई दूसरा ही बन करके जाएगा, ये निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि ये यात्रा राधा गोविंद मंदिर पूर्व संध्या पे, यहाँ पे जो सुंदर कार्यक्रम रखा पुनीत जी ने, तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही है। और इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार है कि कभी लगता है कि कृष्ण राधा बन जाती है, राधा कृष्ण बन जाते हैं। लोग देखते रहते हैं कि कृष्ण इधर है कि उधर है, मालूम ही नहीं पड़ता। इतना सुंदर श्रृंगार होता भगवान का, इंदर इतनी सुंदर पूजा होती है कि जब भाव जब मन में होता है तभी नारायण जीवन में प्रभाव पड़ता है। और निश्चित रूप से इनका भाव बहुत ही सुंदर है, स्वामी जी का आशीर्वाद है। तो हम आज यहाँ इस पूर्व संध्या के ऊपर सभी एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से हमारी ये यात्रा बहुत ही 84 तेरी कट जाएगी, यानी 84 जो लाख योनियां हैं उनसे मुक्त होकर के हम लोग जो है परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करेंगे। एक और आपको मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में श्रद्धेय स्वामी निरंजनानंद जी महाराज बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के विषय में, यात्रा के विषय में स्वामी संविदानंद जी महाराज जो हमारे बड़े श्रद्धेय हैं। फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि जो हमारे जो आयोजक हैं, इन लोगों को जितनी बहुत सेवा कर रहे हैं लोग, फिर भी जितने यात्रा वाले हैं, किसी को कोई चीज़ की कमी पड़े तो अपने से व्यवस्था कर लेना, व्यवस्थापकों को तंग मत करना। हमारे राम अवतार केडिया हैं, संदीप अग्रवाल हैं, ये अपने विवेक दीवान हैं, विकास दीवान है, राजू चौधरी, अशोक टेकरी वाले, ये सब हमारे व्यवस्थापक हैं। क्योंकि जितनी सेवा आप लोगे आपका पुण्य उसमें कट जाएगा, जितनी कम सेवा लोगे आपका पुण्य और साधना बढ़ेगी। हाँ, तो जितना हो सके अपने से सेवा करना और सेवा लेना मत ज़्यादा, कुछ कमी हो तो अपने से पूर्ति कर लेना। अब हमारे सिंह के जैसे जो गर्जना करते हैं, बाबा जी तो बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए बाबा जी के बगल में ही बैठाते हैं उनको हम। वेदांत केसरी हमारे परम विद्वान, परम सुहृद, और
अब तो ये भी कह सकते हैं भगवान कृष्ण के सखा, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो भगवान शिव के भक्त और भगवान कृष्ण के सखा हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज आप सभी को आशीर्वचन देंगे। स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। भद्रम तन्न अशुभ ओम शांति शांति शांति। पूज्यपाद बाबा जी महाराज, हमारे परम वंदनीय योगी योग विदाम वरह, अनेक भाषाविद जिनके अपने गुरु की कृपा अनंत रूप से प्राप्त है और जिन्होंने योग को दिगांतरों में प्रचारित प्रसारित किया, शायद विश्व का ऐसा कोई बादशाह नहीं होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होगा जिन्होंने आपसे या आपके द्वारा जो प्रचारित विधि है उससे योग की शिक्षा ग्रहण ना की हो। नासा के वैज्ञानिकों ने आपके नाम से एक स्टार छोड़ा हुआ है, भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं। आप सोच सकते हो योग की देन, भारत सरकार ने पद्म भूषण से जब अलंकृत किया तो आपने कहा राजनाथ सिंह को कि योग के विषय में दे रहे मुझे स्वीकार है क्योंकि ये योग का सम्मान है, लेकिन मैं अपनी साधना में मैं आपका ये सम्मान लेने दिल्ली नहीं आ सकता। और भारत सरकार ने वह सम्मान, राष्ट्रपति सम्मान मुंगेर में ही पहुंचाया। ऐसे हमारे वंदनीय पूज्य स्वामी श्री निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे परम प्रिय परम सखा परम मित्र, जिनका की कृपा निरंतर हमारे पुनीत भाटिया पर है और आप सब पर है, श्री मद भागवत रस रसिक हृदय, ऐसे हमारे परम पूजनीय पूज्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, अभी जो पंचाग्नि तप करके आ रहे हैं श्री क्षेत्र नासिक से, जिनकी साधना निरंतर चलती रहती है, ऐसे हमारे परमादरणीय श्रीमद स्वामी श्री संविदानंद सरस्वती जी महाराज, इस आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे श्री पुनीत भाटिया और श्री शरणम संस्था के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और सदस्यगण और उपस्थित सभी भगवत प्रेमी भक्तों, हम भगवान शिव जी के उपासक हैं और जब श्री कृष्ण से हमारा परिचय हुआ तो हमें उनका परिचय चक्रधर के रूप में हुआ था, गीता के उपदेष्टा के रूप में हुआ था, मुरलीधर के रूप में हमारा परिचय नहीं हुआ था। जब हमने उनको अपना मित्र बनाया था भगवान शंकर की हम आराधना करते थे, संयोग से एक बार भगवान शिव के ऊपर बोलने के लिए मुंबई में चेंबूर में 15 दिन मुझे शिव पुराण पर बोलना था, तो शिव पुराण पर बोलते हुए हमने एक प्रसंग पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की आराधना की और एक बार नहीं दो बार की, 12-12 वर्ष तक की, और उपमन्यु से मंत्र दीक्षा लेकर के की, और महाभारत में शिव सहस्र नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया वहां है। तो हम तो मित्र पहले मानते थे, जब ये प्रकरण जब पढ़ा तो हमारे अंदर मित्र का भाव और घनिष्ठ हो गया कि उनके भी आराध्य वही हैं और हमारे आराध्य भी वही हैं। अब हुआ क्या, भगवान श्री राम को हम भगवान के रूप में मानते रहे, न उनको बड़ा भाई माना न उनको मित्र माना, हमारी गहरी आस्था भगवान राम के प्रति रही।
यद्यपि हम भगवान शंकर को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनके उपासक है, हमारे भगवान श्री राम ने कैसे एक योजना बनाई कि तुम अकेले अच्छे नहीं लगते हमें, मैं तुम्हें अपना एक भक्त देता हूँ, उनके साथ तुम मित्रता करो। तो उन्होंने कहा कि आपके इष्ट के नाम से ही एक भक्त मैं अपना आपको दे देता हूँ। उन्होंने हमें भक्त दिया, भगवान राम ने अपना स्वयं का, और भगवान आशुतोष ऑर्डरदानी महादेव के नाम से, समझ गए आप, समझदार हैं। फिर हमारे मित्र ने हमारे पर कृपा की, कहने लगे मेरे एक रूप ने आपको अपना एक मित्र बना दिया, मैं दूसरे रूप से अपने मित्र के लिए और यहाँ वृंदावन लेकर के आता हूँ, उन्हीं के माध्यम से हम वृंदावन आए। यद्यपि ईमानदारी की बात है, सच्चाई की बात है, क्योंकि सच बोल ही देना चाहिए, हमें जितना उत्तराखंड अच्छा लगता है आज भी उतना वृंदावन तो जितना हमें उत्तराखंड अच्छा, उसका कारण हम ज़्यादा वहाँ रहे। और यहाँ पर हमारा पूज्य स्वामी जी से सब संबंध हुआ, तो पुनीत भाटिया से भी हम मंदिर में भी हम आए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यात्रा की पूर्व संध्या पर राधा गोविंद देव मंदिर में बैठे हैं। मैं यहाँ रहा एक महीना, मैंने अनुभव किया ये जो कृष्ण है, ही टॉक्स, ही स्पीक्स, ही लाफ्स एंड ही कट्स जोक, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मित्र बनाया था गीतोपदेष्टा चक्रधर श्री कृष्ण को, और उन्होंने अपना दूसरा रूप भी दिखाया, मुरली मनोहर श्याम सुंदर। बड़ा भव्य और भावपूर्ण मंदिर है ये। जिस समय इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और प्राण प्रतिष्ठा जिनके कर कमलों से हुई, ऐसे हमारे प्रातर्वंद्य पूज्य स्वामी कार्ष्णी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा, मैंने बहुत मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की, अभी अभी मैं रमेश भाई ओझा के द्वारा बनाया हुआ मंदिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आ रहा हूँ, लेकिन जितनी दिव्य और जितना भव्य विग्रह मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है मैंने आज तक नहीं देखा। ये उनके शब्द थे, ये उनके शब्द थे, हमारे नहीं थे। ऐसे भगवान ठाकुर की अपनी लीला करते ही रहते हैं। रही बात चोरी की, अब वो तो हमारे सखा है, वो हमारा सामान चुराए या हम उनका चुराए कोई बात नहीं, उसे हमें अब कोई चिंता नहीं रही। कई बार हमारे चीज किसी चीज की कमी होती है, हम स्वामी जी के कमरे से ले आते हैं, अब उसको आप चोरी कह लो या प्रेम कह लो। और एक और सुंदर बात जहां होने जा रही है, जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, और महत्वपूर्ण बिंदु है आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व उस श्री विग्रह की आराधना एक संत ने की, एक संत के द्वारा आराधित वो भगवान का श्री विग्रह है, बड़ा ही सुंदर है, भव्य है, और वो तो मेघ श्याम से भी कहीं ज्यादा श्याम है, ये तो गौरवर्ण है। भगवान विष्णु का रंग कैसा है, कैसा है, कैसा है भगवान विष्णु का रंग, शुक्लांबरधरम विष्णु, कैसा है शुक्लांबर, तो यहां तो ये शुक्लांबर विष्णु है, वहां वो कृष्णांबर विष्णु है। तो शुक्लांबर और कृष्णांबर दोनों के साथ और दोनों की कृपा प्रसाद से यात्रा प्रारंभ हो रही है, और उस यात्रा में हमारे जो जिनका हस्त हमारे सब पर सिर पर रहेगा, जिनकी पावन अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा, ऐसे जो हैं उनका नाम है कल्याण। कल्याण संस्कृत में कहते कम सुखम लाती इति, जो सुख स्वरूप परमात्मा को हमारे जीवन में प्रदान कर दे उसका नाम कल्याण है।
और उस सुख स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है वह निरंजन है। वेदों में लिखा है निरंजनम साम्यम उपैति दिव्यम, परमात्मा निरंजन है, निरंजन है। और वो निरंजन परमात्मा कौन है? मेरे आराध्य गिरीश। और मेरे आराध्य गिरीश की प्राप्ति होती है संवित से, यानी ज्ञान से, संवित से आती है। और उसके बाद मैं मुक्त हस्तनता हूं, मुक्त रूप से अटास करता हूं। यह हमारा सौभाग्य होगा, यह हमारा सौभाग्य। और हमारे पुनीत भाटिया ने बहुत ही प्रीतिपूर्वक ये आयोजन किया यहाँ का। इनकी प्रीति देखिए, गेट के बाहर बहुत बड़ा वो लगा रखा है होल्डिंग्स, अंदर आप प्रवेश करेंगे तो है यहाँ की साज सजा। बाबा जी तो कह रहे थे कि लगता है कि ये भगवान कृष्ण इनके अंदर कहाँ से घुस गए, इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी। मैंने कहा पुनीत जल्दी आशीर्वाद लो, ये इनकी भक्ति है। रही बात 84 ब्रज परिक्रमा की, तो महाराज श्री ने बता ही दिया। और महाराज श्री जब आपने कहा कि 7 दिन तक क्रोध नहीं करना, तो हमारे विवेक बबीता की तरफ देख के कह रहे थे कि 7 दिन तो डांटने से बच गए। जब आपने कहा 7 दिन शांत रहना, तो हमारे चौरसिया जी अपनी धर्मपत्नी को पानी दे रहे कि शांत रहना। क्यों चौरसिया जी, ऐसा ही था ना? देख लो ये जो बात है हंसने की नहीं है। हमारे जो हृदय के भाव हैं, हमारे हृदय के भाव वो हमारा कल्याण करते हैं। हम यात्रा कर रहे हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए। संसार सभी प्रकार के प्राणी इसमें रहते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की सृष्टि है। अच्छे बुरे भले सब तरह के यहां मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें अपना निर्माण स्वयं का करना है। अगर इस 7 दिन में जैसा कि महाराज श्री ने आपको उपदेश दिया है, क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करना, हो सके तो देने की भावना रखना, क्योंकि ये धाम है, और भगवान का नाम स्मरण करना, इसके साथ जब हम यात्रा करेंगे तो हमारी ये यात्रा सफल है। वैसे आपको एक बात बताएं, आप विश्वास करना ना करना तो आपके ऊपर है, आप कुछ करें या ना करें, ऐसे महापुरुषों के साथ में ही यात्रा सफल हो जाती है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह हमारा पूर्व जन्म का पुण्य है, यह हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि हमें ऐसे संतों का साथ मिल रहा है। और ये पुनीत का भी पूर्व जन्म उदय हुआ है कि इस आश्रम में भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष पधारे हैं, ये भी उनका पूर्व जन्म का पुण्य है। क्योंकि इनके वाक्य शुरू होता है, मैं अपने पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं अपने पूज्य माताजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिसने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना सीख लिया, परमात्मा उसको अपनी गोदी में रखते हैं। ऐसी कृपा बनी रहे, और भगवान राधा गोविंद की कृपा हम पर इसी प्रकार से बरसती रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ, रही बात हमारे श्री शरणम के आयोजक, उनके ऊपर तो उनके गुरुदेव की कृपा है, उनके ऊपर उन भगवान की कृपा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये जो श्री शरणम वाले हैं, ये महाराज जी खूब धन धन से संपन्न हो जाएं और इसी तरह का पवित्र काम करवाते रहें, क्योंकि संसार में काम करवाने के लिए माया की तो जरूरत पड़ती है ना। और जब इनकी कृपा होगी, इनको स्वास्थ्य भी मिलेगा, इनको सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, और आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।